सो फ्रेंड, मेरा नाम है सासरवा खान और आप देख रहे हैं सासरवा खान यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं और आप आज सोच रहे होंगे कि ये कुछ चेंज सा हो गया है, ये क्यों, क्या हो गया है। इसलिए कि वीडियो कुछ ऐसी थी और आपको डिटेल से समझाना था, और अभी अगर इसलिए मैं पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बना रहा हूँ। अगर स्क्रीन छोटी हो तो स्क्रीन को बड़ा कर लें ताकि आपको फुल स्क्रीन पर मेरी ये वीडियो नज़र आ सके। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम YT स्टूडियो, जिसे आप यूट्यूब स्टूडियो भी कहते हैं, इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ करने का क्या तरीकाकार है और इसके क्या क्या ऑप्शन है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको इसी YT स्टूडियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। YT स्टूडियो यूट्यूब का ऑफिशियल ऐप है। ये आपको एंड्रॉयड में और iOS दोनों में आपको अवेलेबल है, और इसकी मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज कर सकते हो, जैसे एनालिटिक हो गया, वीडियो, ये सारा कुछ। ये हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है और ये किस लिए यूज़ होते हैं सारा कुछ। और बहुत से दोस्त ये भी कह रहे थे कि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं उसका हम थंबनेल ऐड नहीं कर पाते और हमें टैग का ऑप्शन नहीं मिलता, और आपको थंबनेल किस तरह से ऐड करना है और टैग किस तरह से आपको लगाने हैं, ये मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज पर, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो क्या, चलिए जी फिर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम को वेस्ट किए बगैर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर YT स्टूडियो का ऐप दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है और आपको सर्च बार में YT स्टूडियो लिखना है और ये ऐप आपके सामने आ जाएगा। आपने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस किस्म का इंटरफेस देखने को मिलता है, और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चैनल वाली जो ID है उसे आपने इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको इस इधर जो भी लोगो दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और अपने चैनल वाली ID आपको उधर देनी है और आपका जो चैनल है वो लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड से तीन डॉट देखने को मिले, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इधर आपको 4 से 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डैशबोर्ड, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कमेंट्स एंड एनालिटिक, इन सारों के बारे में हम बारी बारी डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डैशबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद इधर आपको आपके चैनल का जो नेम है, नेम दिखाई दे रहा है। देन आपको उससे नीचे आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर देखने को मिलते हैं, और इससे साथ ही आपको आपके चैनल का लोगो या प्रोफाइल पिक्चर आपको देखने को मिल जाती है। इससे थोड़ा डाउन आपको एनालिटिक देखने को मिल जाता है, आपके चैनल का लास्ट 28 डेज में आपके चैनल पर इतना वॉच टाइम मिला इन मिनट में, और देन आपको व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, लास्ट 28 डेज में आपके चैनल की वीडियोज़ पर इतने व्यूज़ आए हैं। इससे नीचे आपको सब्सक्राइबर चेंज देखने को मिल जाता है कि 28 डेज में प्लस 11 सब्सक्राइबर इस चैनल पर ऐड हुए हैं। इसके बाद आपको वीडियोज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपने जो भी वीडियोज़ अपलोड की होती हैं, लेटेस्ट जो वीडियोज़ होते हैं, वो 3 वीडियोज़ आपको इधर देखने को मिल जाती हैं। इससे नीचे आपको कमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको जो लेटेस्ट 3 कमेंट्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं, वो आपकी पुरानी वीडियोज़ पर हैं या आपकी वो न्यू वीडियोज़ पर हैं। नीचे आपको नॉन यूट्यूब इशू देखने को मिल जाता है कि YouTube को जो भी इशू का पता चलता है वो इधर उसे नॉन YouTube इशू में डाल देता है कि ये हमें मालूम है, इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन मैं इस तीन डॉट पर क्लिक करके वीडियोज़ के ऑप्शन में हम चले जाते हैं। डैशबोर्ड में जो कुछ था वो हमने डिटेल से बात कर लिया कि डैशबोर्ड में क्या क्या होता है, वो आपको क्या क्या शो करवाता है। इधर वीडियोज़ में आपको अपलोड एंड लाइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर आपने जो भी वीडियोज़ अपलोड की होती हैं वो आपको इधर सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाती हैं। इस चैनल पर सिर्फ 5 से 6 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, क्योंकि ये मेरा सेकंड व्लॉगिंग का चैनल है और इस पर मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा। ज़्यादा मैं जो मेन फोकस कर रहा हूँ मैं इसी मेन चैनल पर कर रहा हूँ जिस पर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मैं इसी चैनल पर भी ज़्यादा फोकस करूँगा। और अगर आप मेरे व्लॉग देखने पसंद करते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो सर्च करनी है, आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कोई भी वीडियो अगर आप सर्च करना चाहते हैं, कोई भी टाइटल से, मैं तो लिखता हूँ फर्स्ट, जिस वीडियो के टाइटल में भी होगा वो आ जाएगा। ये देख सकते हैं मेरी एक वीडियो में फर्स्ट टाइटल था तो वो मेरी वीडियो मेरे सामने आ गई। मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद अगर आपको कोई क्विक वीडियो सर्च करनी है, शॉर्ट बैक पर मैं क्लिक करता हूँ। आपको मोस्ट व्यूज़, आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो जिस ऐसी वीडियो जिस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगी। इधर इस चैनल पर जो भी जिस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ हैं वो 138 व्यूज़ हैं। सेकंड नंबर पे आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आप कोई वीडियो सर्च करना चाहते हैं कि जो जना प्राइवेट है या अनलिस्टेड है, मैं प्राइवेट वीडियो को सर्च करना चाहता हूँ, मैंने इस पर टिक किया, देन मैं अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। जो भी मेरी प्राइवेट वीडियो होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि अभी मेरी कोई भी प्राइवेट वीडियो नहीं है तो इसलिए वो कह रहा है यू डोंट हैव एनी वीडियो। थर्ड नंबर पर आपको व्यूज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई भी वीडियो सर्च करना चाहते हैं कि अपने हिसाब से कि
मैं इतने व्यूज़ हो और मैं वो वीडियो देखना चाहता हूँ, मैं तो लिख देता हूँ मोर देन 100 वीडियो, मीन 100 व्यूज़ हो वीडियो पर, वो वीडियो मैं देखना चाहता हूँ, उससे कम ना हो। मैं प्ले पर क्लिक कर दूँगा और इधर मैं प्राइवेट को ऑफ कर देता हूँ और 100 से जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन पर व्यूज़ होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल एक ही वीडियो है जिस पर 100 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, वो आपके सामने आ गई है। इधर आपको लाइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लाइव आप भी ऐसे वीडियो सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे इस चैनल पर कोई भी लाइव वीडियो नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि अभी कोई वीडियो नहीं है। अपलोड पर मैं क्लिक करता हूँ, इसे मैं थोड़ा बैक करता हूँ और वीडियो में मैं चला जाता हूँ। देन अगर आपको अपनी वीडियो का कोई थंबनेल चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है या टैग चेंज करना है, टैग आपको लगाने का तरीका नहीं आ रहा, बहुत से दोस्त ये भी क्वेश्चन करते हैं, तो मैं वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ। वीडियो पर क्लिक करने के बाद इधर आपको पेंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और मैं इसमें चला जाता हूँ। देन आपको अगेन पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है थंबनेल आपको चेंज करने के लिए, ये वीडियो में वो ऑटो सजेस्ट करे, अगर आपको वीडियो में कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको अपनी तरफ से कोई थंबनेल ऐड करना है तो आपके प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप अपनी तरफ से भी थंबनेल को ऐड कर सकते हैं। थंबनेल को ऐड करके आपको सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपको अपनी वीडियो का टाइटल चेंज करना है, इसकी मदद से आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। इसे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में कोई सोशल मीडिया के लिंक ऐड करना चाहते हैं या जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपको पब्लिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस बात का ख्याल करना है जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जो है प्राइवेट जो है रखना है, उसकी सारी सेटिंग टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग थंबनेल आपको ऐड करके देन आपको उसे पब्लिक कर देना है। यहाँ तक हो गया। इसे नीचे आपको सिलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए तो आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए होगी तो उस पर जो ऐड आएंगे वो बच्चों वाले आएंगे और इससे आपकी जो अर्निंग है वो कम हो जाएगी। इससे थोड़ा डाउन आपको देखने को मिल जाता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी वीडियो 18 साल से ऊपर वाले ना देखें तो आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी वीडियो 18 साल से ऊपर वाले भी देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मसला नहीं है, तो आपको नो पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको ऐड टू प्लेलिस्ट, अगर आप ये वीडियो आपने जो भी अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें ऐड करना चाहते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी जो आपने बनाई होंगी। मैंने इस चैनल पर सिर्फ 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो मेरे सामने आ गई। अगर मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस पर जो है क्लिक करूँगा, देन मैं डन पर क्लिक करूँगा, ये वीडियो प्लेलिस्ट में भी ऐड हो जाएगी। इससे नीचे आपको टैग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आपको टैग किस तरह से लगानी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टैग वाला पोर्शन नहीं है, इधर मैं लिखता हूँ साद, साद लिखकर मैं एक कोमा लगा देता हूँ तो वो एक टैग बन जाएगा। वालेकुम सलाम। देन आपको इधर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इधर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाती है, आपका जो चैनल है वो जिस भी कैटेगरी का, इधर से आपको वो सिलेक्ट करना है। इधर आपको बहुत सी कैटेगरी देखने को मिल रही है, जैसे मेरे चैनल की कैटेगरी पीपल एंड ब्लॉग, वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। इधर इससे नीचे आपको लिसेंस एंड ओनरशिप का देखने को मिल जाता है ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इधर आपको बेसिकली दो लिसेंस देखने को मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड यूट्यूब लिसेंस एंड देन क्रिएटिव कॉमन लिसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिसेंस है स्टैंडर्ड यूट्यूब लिसेंस, इससे ये मुराद अगर आप अपनी वीडियो का ये लिसेंस रखते हैं तो इससे आप किसी को भी इजाज़त नहीं देते कि वो आपकी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करे, अगर वो करता है तो उसे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ जाता है। इससे नीचे आपको क्रिएटिव कॉमन लिसेंस देखने को मिल जाता है, अगर आप अपनी वीडियो का ये लिसेंस रखते हैं तो इससे आप खुद इजाज़त देते हैं कि आप मेरी वीडियो को जहाँ भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको अपनी वीडियो का जो लिसेंस रखना है वो आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लिसेंस ही रखना है, ताकि आपकी कोई भी वीडियो चुराए तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाए। इससे थोड़ा डाउन आपको कमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इधर आलो कमेंट्स मैंने ऑन किए हुए हैं कि जो भी कमेंट इस वीडियो पर जो है कमेंट्स करना चाहता है तो वो जो है इजीली से कर सकते हैं। अगर आप वीडियो का कमेंट ऑफ करना चाहते हैं तो आपको इसे जस्ट ऑफ कर देना है, आपकी वीडियो को पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकेगा। मैं इसे ऑन कर देता हूँ जिसे जो भी कमेंट करना है वो करे। देन आपको देखने को मिल जाता है यूज़र कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, इससे ये मुराद है कि अगर आप अपनी वीडियो के लाइक एंड डिसलाइक को हाइड करना चाहते हैं तो आपको जस्ट इसे ऑफ कर देना है। अगर आप शो करना चाहते हैं अपनी वीडियो की रेटिंग, उसके लाइक एंड डिसलाइक, तो आपको इसे ऑन कर देना है। देन आपको आलो इम्बेडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आपकी कोई जनरल वेबसाइट है आपकी ये जो वीडियो है कोई भी डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर डाल सकता है, इससे अगर कोई भी व्यूअर है वो उसी वेबसाइट पर वीडियो देख सकता है, इससे जो ऐड है वो ऐड नहीं आएंगे। ये सारी सेटिंग आपको
कर लेनी है वीडियो की, इधर मैं बैक करता हूँ, इसे डिस्कार्ड करता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो की ऑलरेडी सेटिंग हुई ठहरी है। और ये आपको इधर 3 का बता रहा है, 3 मीन इस पर व्यूज़ आए हैं, देन आपको सेकंड नंबर पे 2 इस वीडियो पर कमेंट हैं। और इधर ये जो ऑप्शन है, ये आपको लाइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 1 लाइक है, देन आपको इधर डिसलाइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि इस वीडियो पर कितने डिसलाइक हैं। इधर आपको जो है वो बता रहा है कि रियल टाइम व्यूज़ में जो है रियल टाइम में कितने व्यूज़ हैं, 48 घंटे में सिर्फ 3 व्यूज़ आए हैं। इधर आपको कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। मैं बैक करता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और प्लेलिस्ट में मैं चला जाता हूँ। और आपके चैनल पर आपने जितने भी प्लेलिस्ट बनी होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। मैंने 3 प्लेलिस्ट बने, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेलिस्ट को ओपन करता हूँ, मैं इस पेंसिल पर क्लिक करता हूँ। अगर मुझे प्लेलिस्ट में जो ना प्लेलिस्ट का कोई टाइटल चेंज करना है, मैं इस पर क्लिक करके मैं प्लेलिस्ट का टाइटल भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को पब्लिक करना चाहते हैं, अनलिस्टेड या प्राइवेट करना चाहते हैं, वो भी आप इधर से कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है, सारी सेटिंग करने के बाद अगर आपको प्लेलिस्ट डिलीट करना है तो आपको डिलीट प्लेलिस्ट पर क्लिक करनी है, वो प्लेलिस्ट डिलीट हो जाएगी। और यहाँ आपको 3 लाइनें देखने को मिल जाती है, इसकी मदद से आप देख सकते हैं टाइम क्रिएटेड, लास्ट वीडियो एडिट, जो भी आप देखना चाहें इधर से आप देख सकते हैं। इधर आपको कमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इधर आपके जो भी वीडियोस हैं वो पुरानी हैं या नई हैं, जितने भी कमेंट्स आए होंगे वो आपको इधर दिखाई देंगे। इधर आपको पब्लिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देन हेल्प फॉर रिव्यू के लिए जो भी कमेंट्स होंगे वो आपको इधर दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल कोई भी हेल्प फॉर रिव्यू के लिए कमेंट नहीं है, तो इसलिए वो कह रहा है नो कमेंट्स। अगर आप किसी कमेंट्स को लाइक करना चाहते हैं, जिसे मैं इसे लाइक करना चाहता हूं, मैंने इसे लाइक कर दिया। और इसे अगर आप हार्ट देना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। और इसे आप रिप्लाई देना चाहते हैं, थैंक्स मैं कर देता हूं, ओके कर देता हूं, ओके हो गया। तो इसी तरह से आप कमेंट्स को लाइक, रिप्लाई एंड हार्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद ये आपको 3 डॉट देखने को मिल जाते हैं, इसकी मदद से अगर आप इससे कमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं इसके खिलाफ, या इसे आप अपने चैनल से हाइड करना चाहते हैं, ये कोई भी अगर कमेंट करे ये शो कमेंट शो ना हो, ये ऑफ हो जाए, हाइड हो जाए आपके चैनल से, तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो मेन चीज़ है एनालिटिक, अब आपने थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। एनालिटिक में मैं चला जाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इधर वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके चैनल का जो ओवरव्यू है वो आपको दिखाई दे रहा है। इधर वो कह रहा है रियल टाइम व्यूज़ लास्ट 28 डेज़ में एस्टिमेटेड, जितने आपके चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो इधर बता रहा है, सारी वीडियोज़ पर रियल टाइम 48 घंटे में इतने व्यूज़ आए हैं। इधर वो कह रहे हैं रियल टाइम लास्ट पब्लिश वीडियो, जो आपने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए हैं 48 घंटे में। ओहो कॉल आ गया, ओके इसे ऑफ कर देते हैं। इधर वो कह रहे हैं कि रियल टाइम व्यूज में आपने जो ना लास्ट 48 घंटे में जो भी आपकी वीडियोज़ हैं उस पर जितने व्यूज़ हैं वो आपको इधर बता रहे हैं कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो थी वो जी बाबा जी पतंग तो उस पर 3 व्यूज़ आए हैं। फिर मेरी वीडियो थी, फिर मैंने अपलोड की थी इससे पहले बाबा जी खानपुर VS बाबा जी सियालकोट उस पर 16 व्यूज़ आए। इसी तरह से वो आपको व्यूज़ बता रहे हैं। देन आपको वॉच टाइम देखने को मिल जाता है इन मिनट में कि आपको लास्ट 28 डेज में आपके चैनल पर मिनट्स में इतना वॉच टाइम मिला है। अगर आप इसे वॉच टाइम को पूरा भाई 365 दिन का या लाइफ टाइम का आप देखना चाहते हैं, आपको उस पर क्लिक करके इधर आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। इधर आप लास्ट 90 डेज या लास्ट 365 दिन या लाइफ टाइम, मैं लाइफ टाइम का देखना चाहता हूं तो मैं लाइफ टाइम पर मैं क्लिक करता हूं, और लाइफ टाइम पर जितना भी वॉच टाइम आएगा वो आपको इधर दिखाई देगा। अब मैं इसे बैक करता हूँ और आपको इधर व्यूज़ बता रहा है कि लास्ट 28 डेज़ में इतने व्यूज़ आए हैं। इधर आपको 58 व्यूज़ बता रहा है कि इतने व्यूज़। अगर आप इसे लाइफ टाइम का देखना चाहते हैं, जैसे हमने वॉच टाइम देखा, इसी तरह से आप व्यूज़ को भी देख सकते हैं। देन आपको एवरेज व्यू ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है कि आपके जो चैनल की वीडियोज़ हैं उन पर कितना वॉच टाइम रहा है, एवरेज वॉच टाइम जो प्रीवियस पीरियड है उस पर 3 मिनट 56 सेकंड रहा है, और जो लास्ट 28 डेज में 2 मिनट 40 सेकंड ड्यूरेशन रहा है जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, एवरेज वॉच टाइम ड्यूरेशन का। इधर आपको वो सब्सक्राइबर बता रहा है कि लास्ट 28 डेज में इतने सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, और वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर लास्ट 28 डेज में नॉट सब्सक्राइब 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखा और वीडियोज़ देखकर वो भाग गया, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। देख लें, अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करते तो चैनल कहाँ पहुँच गया होता अब तक। देन आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन नीचे सब्सक्राइब देखने को मिल जाता है, और ऐसे लोग जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, और 29% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया।
इसके बाद आपको डिस्कवरी देखने को मिल जाता है। डिस्कवरी में वो आपको इंप्रेशन बताता है कि YouTube ने आपकी जो भी वीडियोज़ हैं उनका इंप्रेशन कितने लोगों तक पहुंचाया लास्ट 28 डेज में। इधर वो आपको इंप्रेशन बताता है, इधर आपको इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इससे ये मुराद होता है कि YouTube ने इतने बंदों को, अगर 100 बंदों को आपकी वीडियो का इंप्रेशन दिखाया, थंबनेल भेजा और उसमें से 2.7% लोगों ने आपकी उस थंबनेल को देखकर आपकी वीडियो पर क्लिक किया और आपकी वीडियो को देखा, इससे आप अंदाज़ा दोनों लगा सकते हैं इंप्रेशन कितना गया है और इसका जो ना क्लिक थ्रो रेट कितना है। इधर आपको वो ट्रैफिक सोर्स टाइप बता रहा है कि आपका ट्रैफिक सोर्स टाइप कहाँ से आ रहा है। इस चैनल का जो ट्रैफिक सोर्स टाइप आ रहा है वो यूट्यूब सर्च से आ रहा है 48%। चैनल पे जिन्होंने मेरे चैनल को सर्च किया, सर्च करके मेरे चैनल की वीडियो देखी तो वो 27% है। और ब्राउज फीचर से ये मुराद होता है कि जो ही आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, यूट्यूब को ओपन करने के बाद ऐसे वीडियो आई ठहरी जाते हैं उसे आप कहते हैं ब्राउज फीचर। और अदर हो गया जैसे कि व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, इसी तरह से इसे आप अदर कहते हैं। अब है टॉप एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स जैसे व्हाट्सएप से 100% वॉच टाइम मिला, इससे मैं कोई वीडियो सर्च भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ये हो गया, ये सारा कुछ वो आपको एक्सटर्नल सोर्स में ये काउंट करता है वॉच टाइम को। टॉप यूट्यूब सर्च टर्म टॉप जिन लोगों ने सर्च किया मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, वो सास सर्वर के नेम से सर्च किया और मेरे चैनल की वीडियो को देखा, टॉप यूट्यूब सर्च टर्म में वो कह रहा है। इधर आपको दिखाई दे रहा है टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट, मीन ये है कि ये जो वीडियोस आपको इधर दिखाई दे रहे हैं ये वीडियो मैंने तो नहीं बनाई, ये जो सेकंड वीडियो ये मैंने बनाई है और जो फर्स्ट वीडियो है इससे कोई भी अगर ये मेरी ये वीडियो देखता है, ये जिसकी भी वीडियो है उससे नीचे मेरी वीडियो सजेशन में आ रही थी और माई फर्स्ट व्लॉग, इसी तरह से जो भी वीडियो देखता है तो मेरी वीडियो इनके नीचे सजेशन में आती है, इसलिए वो इधर बता रहा है। इधर मैं ऑडियंस में जाता हूँ, ऑडियंस में कोई भी इधर इसका शो नहीं कर रहा, नो इनफ, क्योंकि ये चैनल न्यू है इसलिए ये शो नहीं कर रहा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ जो मेरा मेन चैनल है, मेन चैनल में मैं आपको ऑडियंस का जो ऑप्शन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना जो मेरा मेन चैनल है, मेन चैनल में जाकर मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। ओके, हम इधर ऑडियंस में चले गए और इधर आपको जेंडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जेंडर में लास्ट 28 डेज में मेल लोगों ने, मर्द हजरात ने जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, वो 84% मर्द हजरात ने मेरी वीडियो को देखा, मेरे जो व्यूज है। फीमेल हजरात ने 16% मेरी वीडियो को देखा। और देन आपको वो एज बता रहा है कि कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक आपकी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं, कितने उम्र के लोग आपको देखते हैं। देन 13 साल से लेकर 17 साल तक 12.7% लोग देखते हैं, 18 से लेकर 24 साल तक 50.7% लोग देखते हैं। और इसी तरह से वो आपको एज के मुताबिक बता रहे कि आपकी वीडियो इतने एज के लोग ज़्यादा देखते हैं, मेरे जो ज़्यादा देखते हैं वो 18 से 24 साल तक देखते हैं। देन आपको टॉप जियोग्राफीज, इधर आपको वो बता रहा है कि आपके जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मेरे जो फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्यूज़ आ रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं 43%, देन इंडिया से आ रहे हैं, देन बांग्लादेश, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट, इसी तरह से सोन। देन टॉप सब टाइटल, आप जो सब टाइटल ऐड करते हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि इंग्लिश में इतने और नो सब टाइटल ये है। इधर इंटरएक्टिव काउंट के जो आप एंड स्क्रीन या कार्ड ऐड करते हैं वो आपको इधर बता रहे हैं, ये कुछ इतना अहम नहीं है इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करते। प्ले लिस्ट में हम चले जाते हैं और प्लेलिस्ट से आपको जितना भी व्यूज़ हैं या वॉच टाइम है वो आपको इधर ये बता रहा है। तो यही इसकी सेटिंग थी जो मैंने आपको बताया कि इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप YT स्टूडियो ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या तरीकाकार है, आप अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, जो भी वीडियोज़ हैं, कमेंट्स हैं, एनालिटिक है, सारा कुछ मैंने आपको बताया, डैशबोर्ड किया, इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। और आज की वीडियो यही थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज फॉलो कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है। सो गाइस, बस आज की वीडियो यही थी, अपना बहुत सारा ख्याल करें और हमें भी दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, अब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।